राजधानी भोपाल की खूबसूरती बॉलीवुड को काफी भा रही है। जी हां, शहर में कई प्रोजेक्ट शूट किए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल का यश्क रूपी शहर के कलाकारों को लाइमलाइट मिलने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। उसी क्रम में यश एंटरटेनमेंट द्वारा शहर में वेब सीरीज की शूट की जानी है। वेब सीरीज के लिए एक निजी होटल में मुहूर्त किया गया। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिले। यश एंटरटेनमेंट की डायरेक्टर नंदिनी राजपूत ने बताया कि हम वेब सीरीज का निर्माण कर रहे हैं और इसमें प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के लोकल टैलेंट को मौका दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमें मध्य प्रदेश में हर वो संभावना नजर आती है जो एक बेहतर प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। यस, वेब सीरीज का लॉन्च हमने आज ही किया हुआ है और उसके ऑडिशंस हम स्टार्ट कर रहे हैं यश स्टूडियो में, जो कि हमारा रोहित नगर में है। एंड मैं चाहती हूँ कि सब भोपाल के जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं, कलाकार हैं, वो ऑडिशन आके दे और हम उनको मतलब उस बड़ा प्लेटफॉर्म देंगे जो हमारी पहली सीरीज़ है, उसमें हम उनको मौका देंगे एक लीड करने का, काम करने का। आज जो वेब सीरीज लॉन्च हो रही है उसकी क्या कहानी है, किस कहानी पर आधारित रहेगी? उसकी कहानी ऐसे है कि आजकल का जो जनरेशन होता है ना, वो जॉब करना नहीं चाहता है। दे डोंट वांट टू बी अंडर एनी बॉस और एनी दिस काइंड ऑफ जॉब्स। वो चाहते कि आजकल के नए कुछ ऐप्स ओपन करें, नया कुछ अपना खुद का बिजनेस ओपन करें। स्टार्टअप इंडिया पे हम लोग इस पे ही पूरी सीरीज बना रहे हैं और यहाँ हमारे काफ़ी सीजन चलेंगे। सबसे पहला हमारा भोपाल के बेस पे रहेगा एंड अभी जो भोपाल बेस पे ये जो फर्स्ट सीरीज रहेगी, जो भोपाल का कल्चर उसमें हम दिखाएंगे, ट्रेडिशंस दिखाएंगे और ये इस तरह का हमारा मतलब क्या ड्यूरेशन क्या है और शूट कहाँ पे करना है? ये अभी तो 4 एपिसोड्स रहेंगे फर्स्ट सीजन में, 20-20 मिनट्स के, इट विल बी वेरी शॉर्ट। उसके बाद नेक्स्ट सीजन इमीडिएटली और अक्टूबर में हम इसको रिलीज करते हैं। कलाकार पूरे भोपाल के ही हैं? कलाकार पूरे भोपाल के, इवन डायरेक्टर्स, इवन राइटर्स, ऑल द टीम, क्रू मेंबर्स, सारे जितने भी कास्टिंग, सब कुछ सारे भोपाल से। नाम क्या होंगे हमें? प्रियनर्स मतलब जो उद्योग स्टार्ट करते हैं, न्यू एंटरप्रेनर। वो एंटरप्रेनर्स का प्रेनर्स लिया है, ये एंटरप्रेनर्स का प्रेनर्स लिया हुआ है और उसमें बेसिकली स्टार्टअप इंडिया का जो कंसेप्ट चल रहा है आजकल, कई सारे नए लड़के नए आइडियाज़ लेके कुछ नया करने की ख्वाहिश रखते हैं और वही एक्चुअली वो टॉपिक है, वही प्लॉट है। और ये प्लॉट में आपको बहुत अलग लगेगा कि ये उधर जो काम हम पहले नहीं करना चाहते थे, जो हमको निचले दर्जे का लगता था, वो काम को उठा के, वो सब चीज़ को उठा के वो ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, वही प्लॉट है बेसिकली। और ये प्लॉट हर सीजन, हर एपिसोड में अलग अलग प्लॉट रहेगा। स्पेशल क्या दिखने वाला है? थोड़ा सा मैं सीक्रेसी मेंटेन करना चाहूँगा, बट स्टार्टअप इंडिया बेसिकली यंग जनरेशन नए प्लॉट में कैसे वो बोलते ना, एक का एक करोड़ बना सकते हैं, वो प्लॉट है। बहुत अच्छा प्लॉट है, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, रेडी है। हमारा टारगेट है कि 2 महीने के अंदर अंदर हम इसको लॉन्च करना चाहते हैं, बिकॉज सिर्फ टाइटल लॉन्च करना मकसद नहीं है हमारा, है कि 15 अगस्त या 20 अगस्त के बीच में ऑडिशन शुरू करेंगे और एंड ऑफ अक्टूबर तक ये उसको हम लोग लेके आएंगे फाइनल से, ये हमारा टारगेट। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि क्या है, जब हम करेंगे नहीं ना तो लोग बोलेंगे कि सिर्फ ऐसे ही बातें नहीं, हम करके दिखाएंगे। भोपाल के सर, 4-5-6 अक्टूबर को बड़ा गरबा महोत्सव होने वाला है, जो कि लास्ट ईयर हमने एक दिन का किया था और इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट। इस बार हमने 3 दिन का पूरा गरबा महोत्सव, यश गरबा महोत्सव अभी यहाँ पे भोपाल में हम ले रहे हैं। अभी वेन्यू थोड़ा सा डिसाइड नहीं हो पा रहा है, लेकिन जल्दी हम आपको बताएंगे।